अब मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने नेताओं के नाम लिया उसने आधे नेता तो बात किए और अपने विचारों को आपके सामने रखा। उससे हटके मेरे पास और कोई नए विचार नहीं है। अगर उन विचारों पे अगर अमल हुआ तो मैं समझूंगा ये जनसंघर्ष यात्रा यशस्वी हुआ, क्योंकि जो वो कहना था उन्होंने तो कह दिया। हमको अब काम करना है और खास करके कोल्हापुर में आके मुझे उन बातों को ध्यान में रखना है और आपको भी रखना है। जो अभी अभी वीके पाटिल जी, पृथ्वीराज चव्हाण जी, अशोक चव्हाण जी ने कहा कि देश में मोदी जी की सरकार आने के बाद वातावरण कलुषित हो रहा है, इतना कलुषित हो रहा है कि समाज में डिवीजन करने का, एक जाति को दूसरे जाति से लड़वाने का, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के ऊपर बिठाने का, ये काम पहले कभी नहीं हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में नहीं हुआ, इंदिरा जी के जमाने में नहीं हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में नहीं हुआ, और जब जनता पार्टी की सरकार आई थी मोरारजी देसाई ने नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं किया, नरसिंह राव जी ने नहीं किया, जितने भी लोग प्रधानमंत्री बने वो कोई भी नेता नीचे उतर कर निचले स्तर पर जो एक प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस होता है उसको छोड़ के किसी ने बात नहीं की। लेकिन आज के प्रधानमंत्री जी तो हमेशा अंगार लगाने की बात ही करते हैं। मैं सोचा कि मैं बात जब कर रहा था कोई आरएसएस वर्कर आके बंद तो नहीं। और ये जो मोदी जी के विचार है ये देश के लिए बड़े खतरनाक है। इस देश को एकता के साथ हम ले जाना चाहते हैं और हमारे सारे नेता वो कोशिश किए। इस देश के लिए हमारे पार्टी के लोग कुर्बानी दी, आजादी के लिए लड़ाई की, लाखों लोग जेल में गए और यहां तक आजादी मिलने के बाद भी जो लोग देश को तोड़ने का काम करते थे उसके खिलाफ इंदिरा जी लड़ी, अपनी जान दी। राजीव गांधी जी लड़े एकता के लिए, अपनी जान दी, और देश के स्वतंत्रता के लिए गांधी जी लड़े और पूरे सारा जीवन उन्होंने बिता कर हमको आजादी दिलाई, वो भी खत्म हो गए। हम तो देश के लिए आजाद, देश आजाद करके, देश को आजादी दिला के और देश की प्रगति करके जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में लोकतंत्र के उसूलों को जमीन के अंदर बहुत गहरी
उसका बीज बोया और उसके जितने भी आज फल मिल रहे हैं सबको, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से। फिर भी मोदी जी और उनके चेले यही कहते हैं 70 साल में आप क्या किया। तो इसलिए बहुत बार मैं यही बोलता था भाई, बार बार ये मत कहो 70 साल में हमने क्या किया है। मैंने पार्लियामेंट में भी ये कहा, आप भी सुने होंगे, मैं मोदी जी को यही बोला, मोदी जी 70 साल में अगर हम लोकतंत्र नहीं बचाते थे, इस देश का संविधान अगर उसकी रक्षा नहीं करते, तो आप इस कुर्सी पे नहीं बैठते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना की और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लोकतंत्र की रक्षा करके इसको चलाया और बहुत से पब्लिक सेक्टर लाकर लोगों को काम दिया, एजुकेशन दिया, ये सब कुछ उन्होंने किया। फिर भी हमको पूछ रहे कांग्रेस ने क्या किया। इतना ही नहीं, मेरे को आश्चर्य हो रहा क्योंकि कोल्हापुर से सनातन संस्था के बारे में जो जिक्र हुआ, ये बड़ा दुख की बात है। अगर सनातन संस्था के जैसे संस्थाओं को सरकार प्रोत्साहित करती है, अगर सपोर्ट करती है, तो हम सब मिलकर उसको कंडम करना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि ऐसी विचारधारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगी और दूसरे जगह भी अगर वो करने आए हैं उसको चलने नहीं देंगे। ये हमारी और आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए। अरे ये तो भूमि ठीक है, हम अंबा भवानी का दर्शन लेकर बाहर निकले, देवी कर, ये अपनी अपनी भक्ति है, अपनी अपनी जो विचार है, आस्था है, उस तहत आप चल सकते हैं, पूजा कर सकते हो, लेकिन आपको दूसरों का जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। धर्म के नाम पे आप अगर दूसरों का जान लेने की अगर कोशिश किए तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये महाराष्ट्र तो शाहू महाराज के विचारधारा की है, महात्मा फुले के विचारधारा की है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की है। क्या आपको ये विचारधारा चाहिए? क्या सनातन संस्था वो लोग चला रहे वो विचारधारा चाहिए? अब सोचिए, ये कोई सिर्फ हम जो हमारी लड़ाई वोटों के लिए नहीं है, चुनाव के लिए नहीं है, सत्ता में आने के लिए नहीं है, हमारी ये जो लड़ाई है उसूलों के लिए है। और जो विचारधारा इस देश को बर्बाद करने वाली है उसके खिलाफ है। तो इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आपको उठना है, काम करना है और ऐसे विचारधारा के लोगों के खिलाफ लड़ना है। और ये ताजुब की बात है कि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी इतने आश्वासन दिए, वो कुछ नहीं कर पाए, और यहां पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और मैं सुना लोकल के मिनिस्टर भी इतने प्रॉमिसेस किए, इतने वचन दिए, वो एक भी अमल में नहीं आ रहा, एक भी अनुष्ठान में नहीं आ रहा। क्या बात है? झूठ बोलो सत्ता पे आओ। और कोई हमारे एक मित्र बोल रहे थे, बंटी जी बोले शायद, खोटो बोला पण रेटून बोला।
तो वो परफेक्ट है उसमें, उन्होंने तो हिटलर से सीखा है, क्योंकि झूठ को भी गोबेल्स ने सौ झूठों को बार बार बोल के ये सच्चाई है, सच है, ये लोगों को महसूस करवाते थे। तो वैसा ही आज इस देश में हिटलर शाही चल रही है, और ऐसे विचारधारा के प्रचार के लिए केंद्र सरकार 4,333 करोड़ रुपए खर्च किए। कितना? 4,333 करोड़, टीवी पे, पेपर पे, सोशल मीडिया पे झूठ बोल बोल कर तो सत्ता में आए, और हमारे नौजवान साथी भी चंद लोग, और आपको भी उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। मोदी अरे बहुत कुछ करेगा समझकर वो लोग उनका साथ दिए, क्योंकि मोदी जी बोले थे मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल। तो मैं उन नौजवानों से पूछता हूं जो नौजवान उनका प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांगते हैं, उन लोगों को भी पूछता हूं जो लोग उनका प्रचार करते फिरते हैं, तो कहां है? 4 साल 4 महीने हो गए, अब तक 8,25,00,000 नौकरियां मिलना चाहिए था, लेकिन कोई नौकरी अब तक नहीं मिली। लेकिन क्या बताते हैं, ईएसआई और प्रोविडेंट फंड में चंद लोगों को वो ड्राइव करके उसमें शामिल किया गया है, और जो प्रोविडेंट फंड और ईएसआई के दायरे में जो लोग आए हैं उनकी संख्या बता रहे हैं। देखो इतना नौकरी मिला, 2 करोड़ मिला, 4 करोड़ मिला, वो सब उसमें सब मिल रहे, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उन सब को मिलाकर आज ये लोग बोल रहे हैं। तो हमको सचमुच सोचना है कि नौकरियां मिले या नहीं, नौकरी तो नहीं मिली, फिर काला धन वापिस लाता हूं, वो भी नहीं आया, 15-15 लाख हर एक के जेब में डालूंगा। भाई और बहनों, बंधुओं, मित्रों, ये उन्होंने कहा, लेकिन किसी के जेब में 15 लाख अब तक नहीं आए। या वो छोड़ दे, एक एक जुमला जब उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलती वो छोड़ देते हैं और फिर नया मुद्दा उठाते हैं। जैसा कि यहां पर जो सनातन धर्म के संस्थापक और यह प्रचारक जो है उनके बारे में धरपकड़ चली, तो उन्होंने जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो प्रगति पर विचारधारा के प्रोग्रेसिव थिंकर जो है उनको अरेस्ट करने का मुहिम शुरू की। पुणे के पुलिस उनको पकड़ के आज हाउस अरेस्ट करके बिठाई। अरे भाई, ये काम करने वाले आप वो काम क्यों नहीं करे जिसने लंकेश को, गौरी लंकेश को मारा, जिसने एमएम कलबुर्गी को मारा, जिसने ये पानसारे साहब को मारा, उसने दाभोलकर को मारा, ये लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे भी? उसमें क्यों देरी किए? सालों साल लगे, और आप जो अच्छे विचारधारा के लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाज को सुधारने की, उनके ऊपर आपका हमला हो रहा है। अगर कोई गलती करता है तो उसको पकड़िए, कोई नक्सलाइट एक्टिविटीज करके देश को बर्बाद करना चाहता है तो आपको हक है, कानून के तहत एक्शन लो, कोई आपके आड़े नहीं आने वाले हैं।
लेकिन किसी विचारधारा को दबाने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो ये देश के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मैं आपको स्पष्ट कहने वाला हूँ। और हमको सबको कोशिश करना चाहिए, जो बाकी का डीजल पेट्रोल बढ़ा, जो दूसरे जो उनके किसानों के बारे में उनके जो फेल्यूअर्स हैं वो सारी चीज़ें फिर शाम में हम बताएंगे, लेकिन आपको भी याद रखना होगा क्योंकि हमारे नेता तो यहाँ मंच पर जितने भी बैठे हैं बहुत अच्छे वक्ता हैं, फाइटर्स हैं, लड़ने वाले हैं, ताकत रखने वाले हैं, सबसे सब चीज़ों से तैयार है। अगर ये ताकत एक हो के उठी तो बीजेपी का एक झंडा भी कोल्हापुर में नहीं निकलेगा। लेकिन एक अब तो एक तो एक दूसरे को हाथ पकड़ कर तो ठहरे हम, लेकिन उसके साथ तन मन धन ये तीनों की जरूरत है। और ये तन मन धन से अगर काम करेंगे तो मैं समझूंगा, तन मन धन भी होना चाहिए क्योंकि 15-20 हजार तो आप ही हुकूमत की, आप लोग सत्ता में थे, सभी लोग कोऑपरेट करना चाहिए भाई। बूंद बूंद मिल मिल के ही नदी बहती है, वैसा सब मिलके करे तो ही होता है। उसीलिए मैं क्यों बोलता हूँ बोले तो तुकाराम महाराज का एक कहीं पढ़ा था मैं, हमारे हिंदी में उधर आया था, नमस्ते पुत्र कन्या स्थिति तर पति लागने का क्या, नमसे अरे नमस कर देना आप क्या बोलते हाँ, नमसे पुत्र कन्या होती तर पति लागने काय का, जब सब मांगने से ही दुआ मांगने से ठीक है, हम सब देवताओं के पास जाकेंगे मांगेंगे पूजा करेंगे हमको यश देव बोल के, वो एक तरफ, लेकिन निसर्ग का नियम है जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम नहीं आगे आए। उसीलिए तुकाराम महाराज और भी एक बात बोले थे, क्या है रगड़ीता वालों से तेल ही गड़े, तो अब आपको वो सब करना है कि जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कुछ फायदा होने वाला नहीं। सब हम बोलते बैठेंगे भाषण जितना भी करेंगे तो लोग सुनेंगे, अरे ठीक हुआ भाषण बोलेंगे चले, इसीलिए ये सारी चीजें ध्यान में आपको रखना होगा। और जिन नेताओं के लिए और जिन महान विचारधारा के लोगों को हमने फूल माना पहलाई है, उनको उसको माला डालकर हमने आपके सामने रखे हैं, उनके तत्व के आधार पर हम चलेंगे तो ऐसे हमको निश्चित रूप से मिलेगा, यही मैं कहूँगा। तो इतना कहते हुए मैं और भी कहूँगा कि आज की सरकार दलितों पर अत्याचार कर रही, महिलाओं पर अत्याचार कर रही और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही और लिंचिंग कर रहे हैं। कोई अगर जानवर लेके जाता है उसको पकड़ के मार रहे, कोई अगर चमड़े का काम कर रहा है उसको पकड़ के मार रहे, और ये प्राइम मिनिस्टर के स्टेट में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, जिस जिस जगह बीजेपी की सरकार है उस जगह ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए मैं आपको एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते मैं आपको ये कहने आया हूं कि सब हमारे नेता मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा सोच है और इसमें मैं कामयाब भी हो जाऊंगा। तो बस जितना भी हम कहेंगे उतना कम है, आगे कदम उठाकर हम बढ़े और इसमें यशस्वी हो, इतना ही कहते हुए मेरे बातों को समाप्त करता हूँ।